हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपको अर्निंग मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान है। यकीन मानो, इससे आसान कोई भी काम नहीं हो सकता। आप डेली मोबाइल यूज़ करते हैं, डेली फेसबुक देखते हैं, डेली इंस्टाग्राम देखते हैं, आपको इसी से रिलेटेड आपको वीडियो जो है वो आज की मिलेगी। आपने बस करना क्या है, किसी को फॉलो कर देना है, उसकी भी आपको अर्निंग मिलेगी। किसी को लाइक कर देना है, उसकी आपको अर्निंग मिलेगी। और अगर आप किसी की पोस्ट के नीचे कमेंट भी करते हैं तो आपको उसकी भी अर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों, ये सिंपल सा मेथड है, इसको आपने बड़ी आसानी से जो है थोड़ी सी मेहनत करके आप यहाँ से डेली का 3,000 रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र को आपने ओपन कर लेना है। ओपन के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है गेट लाइक। गेट लाइक आपने सर्च कर लेना है। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट हमें नज़र आ रही है, गेट लाइक अर्निंग एंड गेट लाइक फॉलोअर्स, को आपने यहाँ पे प्रेस कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसके यूज़र देख लें, यूज़र इसके कितने हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इसके सारे यूज़र हैं। और इसके बाद एक्टिव टास्क देखें, 6,705 एक्टिव टास्क हैं अभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 डॉट पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसे डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट रजिस्टर करना हर बंदे को आता है। नॉर्मली हर किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको अकाउंट रजिस्टर करना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिंपली रजिस्टर पे प्रेस करूँगा। और प्रेस करने के बाद मेरा अकाउंट पहले से ही इसमें लॉगिन है तो मेरा ये डायरेक्ट लॉगिन ही कर देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। दोस्तों, ये वेबसाइट दो तरीकों से काम करती है। एक तरीका इसका यह है कि अगर आपको अपने फॉलोअर चाहिए तो आप यहाँ से वो बाय कर सकते हैं। अगर आपको लाइक चाहिए तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। कमेंट चाहिए अपनी पोस्ट के लिए तो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे अर्निंग करनी है, ठीक है। तो अर्निंग करने के लिए ये जो इंटरफेस हमारे सामने शो हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी जो अर्निंग है वो भी हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इधर यहाँ पर सबसे ऊपर माई टास्क की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म के लिए खरीद सकते हैं, फॉलोअर खरीद सकते हैं, लाइकर खरीद सकते हैं और कमेंट करने वाले लोग भी यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे अर्निंग करनी है। हमारा मकसद है यहाँ से अर्निंग करना, ठीक है। तो इसके साथ वाली जो ऑप्शन है जॉब एक्सचेंज, आप उस पर प्रेस कर लेना है। इस पर प्रेस करने से, ठीक है, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने लोग यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिए उनको ऑडियंस चाहिए, उन्होंने यहाँ पे अपने टास्क लगाए हुए हैं कि भाई इतनी पेमेंट हम आपको देंगे, ठीक है। हमारे पेज को जो है वो फॉलो कर दो, हमें लाइक कर दो, हमें कमेंट दे दो तो हम आपको इतनी अर्निंग देंगे। ये जो ब्लू बॉक्स में आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये सारे ब्लू बॉक्स में जो साइड पे नज़र आ रहे हैं ये टास्क हैं। और उसके ऊपर इसकी पेमेंट भी लिखी हुई है। ये जो वेबसाइट है ये रब में पेमेंट करती है, सो इसलिए इसकी जो पेमेंट है वो आपको रब में होगी, ठीक है, रशियन रब में होगी। 0.05 ये आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन के देगा। अगर आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं, इसी बंदे को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके आपको 0.05 मिलेंगे, ठीक है। अब देखें इस पे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के बाद आपको इसकी अर्निंग होगी। आप किसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी आपको अर्निंग होगी। लाइक कर सकते हैं, उसकी भी अर्निंग होगी। और आप इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो उसकी भी आपको अर्निंग होगी। उसके बाद आप टिकटॉक पर आ जाएँ, ठीक है। टिकटॉक पर भी यही सेम सीन है, ठीक है। इसके बाद थ्रीड्स है, थ्रीड्स का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी यहाँ से निकलते हैं। और टेलीग्राम के लिए भी यहाँ से जो है वो अर्निंग की जाती है। टेलीग्राम पे भी आप लोगों को इसी तरह उनके अकाउंट को जो है वो फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आपको अर्निंग होगी। ट्विटर के टास्क हैं, ठीक है। और इसके बाद नीचे क्लासमेट्स, ये भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और इस पर भी लोग इसी तरह अपने फॉलोअर्स खरीदते हैं और उसकी अर्निंग देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर काम कैसे करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये कॉर्नर में देखें, ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। जैसे मेरा ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, आपने इस पे जो एरो है उसको आपने प्रेस करना है,
ठीक है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का जो बॉक्स है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे ऐड अकाउंट लिखा हुआ है आपने यहाँ पे अपने अकाउंट जो है वो ऐड कर लेना है, जो जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं। अगर आप टिकटॉक पे काम करना चाहते हैं तो आपने टिकटॉक का अकाउंट यहाँ पर जो है ऐड कर लेना है, और अगर आप इंस्टाग्राम पर करना चाहते हैं तो आपने उसका भी अकाउंट ऐड कर लेना है, टेलीग्राम पर करना चाहते हैं उसका भी ऐड कर लेना है। मैं चाहूँगा कि सारे ही सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं जो जो ये कर रहे हैं हायर, आप उस पर जो है अपना अकाउंट ऐड कर लें, ठीक है। अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपने ऐड अकाउंट पे आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद नीचे हमें सारे ही अकाउंट नज़र आ जाएंगे, जो भी आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं आपने उस पर प्रेस कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ टिकटॉक का, तो टिकटॉक के अकाउंट पे आपने यहाँ पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे इंटरफेस जो हमारे सामने आएगा ये आपको मांगेगा कि आप अपने टिकटॉक का जो प्रोफाइल आईडी है आप उसको यहाँ पे दे दो, ठीक है। टिकटॉक का जो आपका प्रोफाइल नेम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो इसके बाद आपने यहाँ पे बाइंड कर देना है। बाइंड करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो ऐड किया हुआ है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे जो है वो अर्निंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इंस्टाग्राम की ऑप्शन पर, ठीक है। इंस्टाग्राम की ऑप्शन पर आपने आ जाना है, ये देखिए इंस्टाग्राम के टास्क हैं 1032, इस वक्त 1032 टास्क हैं इंस्टाग्राम के। इसके बाद टिकटॉक है, टिकटॉक के 2850 हैं। इसके बाद थ्रीड्स हैं, इसके 29 हैं। इसके बाद इन कनेक्ट है, ठीक है, इसके भी हैं 2219 हैं। ये सारे टेलीग्राम के 146 हैं। ये सारे टास्क आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसकी अर्निंग जो है वो आपके अकाउंट में होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्निंग आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंस्टाग्राम पर काम करना चाहते हैं तो आपने इंस्टाग्राम पर कर लेना है। इंस्टाग्राम को आपने यहाँ से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऑल टास्क पर जो है वो आपने प्रेस कर लेना है, ठीक है। अब ऑल टास्क पर आपने प्रेस कर लिया, यहाँ पर देखें यहाँ पे आपको सारे ही टास्क नज़र आ जाएंगे, ठीक है। जो भी बंदा आपसे कुछ करवाना चाहता है उसके सामने लिखा होगा, ये देखिए यूज़र सब्सक्रिप्शन, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि इंस्टाग्राम पे आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको 0.05 रुपए मिलेंगे। इसके बाद नीचे भी सब्सक्राइब है, नीचे भी सब्सक्राइब है, ये देखिए यहाँ पे सारे जो भी अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं। अब देखिए कैसे करना है, ये ब्लू बॉक्स में हमें जो 0.05 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपने इस पर प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेना है, यहाँ पर प्रेस करने के बाद आपकी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रेस कर लेना है, इसे प्रेस करने के बाद उस बंदे का इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे हमने फॉलो के लिए इसे ओपन किया था तो आपने यहाँ पे सिंपली फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आपने वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। ये देखिए अब उसी जगह पर ये चेक लिखा नज़र आ जाएगा, आपने चेक पे प्रेस कर लेना है। चेक पे प्रेस करने के बाद ये अब चेक कर रहा है कि आपने उस बंदे को फॉलो कर लिया है, ठीक है। अगर आपने उस बंदे को फॉलो कर लिया है तो ये देखिए हमारा जो है टास्क वो डन हो चुका है, जॉब कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे डन लिखा आ गया। अगर आप किसी दूसरे बंदे को, साथ वाले को करते हैं जो इसके नीचे है, इस टास्क को करते हैं तो सेम इसी तरह आपने वहाँ पर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जैसे ही आप प्रेस करते हैं यहाँ पे उसके बंदे की इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो ओपन हो जाएगी, आपने उसे सिंपली फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद ठीक है आपने फिर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए वहाँ पे भी चेक लिखा आ गया, आपने चेक पे प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद ठीक है ये देखिए ये कुछ ही देर में हमारा जो है अकाउंट उसे कह देगा कि आपने डन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए ये डन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी अर्निंग मेरे अकाउंट में, ये देखिए अभी कितने हैं, 1.32 रब हैं इसके, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी अर्निंग उसी टाइम ही आपके अकाउंट में जो है वो जमा हो जाती है, ठीक है। एक और मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए, सॉरी पहले मैंने आपको दिखाया नहीं। 1.32 है इस तरह इस वक्त मेरे अकाउंट में। तो आपने इस बंदे को भी यहाँ से क्या फॉलो करने के लिए आपने प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद इसका अकाउंट ओपन होगा और यहाँ पर आपने फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आप बैक आ जाएँ, बैक जब आ जाते हैं इसके बाद आपने चेक पे प्रेस कर लेना है। चेक पे प्रेस करने के बाद जैसे ही हमारा ये उसने चेक करने के बाद बोल दिया है कि ये डन हो गया, ये देखें 32 थे पहले, ठीक है, 1.32 थे पहले, अब 5 और इसमें ऐड हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए 5 और ऐड हो चुके हैं, 1.37 हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पर इसकी अर्निंग जो है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे
सिर्फ आपको सब्सक्राइब करने के लिए 0.05 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी ज़्यादा अर्निंग जो है वो है टिकटॉक पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या करना है। टिकटॉक पे आपने करना है, टिकटॉक के टास्क कंप्लीट करने के बाद अगर आपका मन करता है ज़्यादा काम करने को तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा रेट कम है लेकिन इंस्टाग्राम पे ये हाई रेटिंग है इसकी, ठीक है। टिकटॉक को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए टिकटॉक पे ऑल टास्क पे आपने प्रेस कर लेना है। ऑल टास्क को आपने प्रेस कर लेना है और इसके बाद इसके जितने भी टास्क होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे एक बंदे को करते हैं फॉलो तो उसके आपको वहाँ पे मिलते थे 0.05। अब वैसे ही आप यहाँ पे टिकटॉक के बंदों को फॉलो करते हैं, टिकटॉक के बंदे को आप टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको 0.18 जो है वो रब मिलेंगे। उसके बाद 0.17 है, फिर 0.17 है, फिर 0.16 है। देखिए इस तरह आपको टिकटॉक पे ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे अपना टिकटॉक का अकाउंट जो है वो ऐड कर लेना है और उसे ऐड करने के बाद यहाँ से आपने सिंपली वही जो है इसका सीन है, आपने इस पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका टिकटॉक का उस बंदे का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा और ओपन करने के बाद आपने उसे वहाँ पर फॉलो कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आके आपने डन कर लेना है और आपके अकाउंट में वो जो अर्निंग है वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आपने यहाँ से, अब आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे यहाँ से विड्रा लेना है, ठीक है। विड्रा पे आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। जैसे ही आप विड्रा पे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद आप देखिए जितनी भी आपके अकाउंट में जितने भी रब होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और इसके बाद नीचे थोड़ा सा देखें, यहाँ पे आप जो है वो पेयर में भी इसका ले सकते हैं। पेयर का अगर वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है आपके पास तो उस अकाउंट में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको आसानी से इसकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि रब और पाकिस्तानी करेंसी का डिफरेंस क्या है, कैसे आप जो है वो एक दिन में 3,000 की अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कितने बनते हैं अगर आप देखिए, सिंपली अगर आप 1,000 रब बना लेते हैं डेली के, मेहनत ज़्यादा करके, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके आप 1,000 रब आप डेली के बना लेते हैं तो देखिए 3,045 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। दोस्तों 3,045 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी अगर आप इस पे 3-4 घंटे काम करते हैं, ठीक है, या 3 घंटे काम करते हैं या 2 घंटे काम करते हैं डेली के फ्री टाइम में, जो आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करने हैं, ठीक है, टाइम आपने ज़ाया करना है, मैं चाहता हूँ वो टाइम आप इस पे दें, तो ये देखिए कितनी आपकी जो है वो डेली की इनकम बनती है। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने काफ़ी दोस्तों को बताइएगा कि वो इस तरह से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। देखें आप थोड़ा सा काम करके, ठीक है, ज़्यादा ना करें, 2 घंटे कर लें, 2 घंटे के बाद 3 घंटे कर लें, जितना आपके पास टाइम है उतना कर लें और आसानी से आप इसे अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।